भाई रिएक्शन चेक करो, रिएक्शन चेक करो भाई। तो देख तूने बाइक का नाम रे रखा था। हाँ रे किस कलर में होता है? येलो कलर, येलो कलर का। ओ माय गॉड, इस पे ना पिकाचू बना हुआ ना यहाँ पे, पिकाचू प्यारा वाला बना। ये क्या हो गया इनको? ये आपके पीछे बना था भाई। ये देखो, अब तुम जो चाहते थे ना, दोनों बाइक्स को मैं एक फ्रेम में रखेंगे ना, वुल्फ और रे को साथ में देखने के लिए। ये क्यों नहीं मिटाया नाम अभी तक? ये नाम कोई चक्कर नहीं है। तो भाई ने ना मेरे से ज्यादा अच्छे से मेंटेन करी हुई है, तो मेरे को किसी चीज की टेंशन नहीं है, ठीक है? ऐसे मेंटेन करके रखना इसको। बिल्कुल ऐसी वुल्फ की वजह से तेरे साथ भी मेरे को प्यार हो गया है, पता है? सो हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ आप एकदम से बढ़िया होंगे। आज के इस व्लॉग की शुरुआत अपने घर से करते हैं। सबसे पहले मैं मॉर्निंग में चाहता था यहाँ से कॉलेज जाने के लिए अपना, कॉज जो MAM मेरा कॉलेज है ना, वहाँ से मेरी ग्रेजुएशन हुई है। उन्होंने कहा था कि एक साल के बाद आपने डिग्री लेके जाना कॉलेज से। लेट्स सी, देखते हैं अगर कॉलेज ओपन होगा तो वहाँ मैं जाऊँगा। कॉलेज में कॉलेज गर्ल रिएक्शन वगैरह सारी चीज़ें लाएंगे। लेट्स सी, देखते हैं क्या सीन होने वाला है। सेकंड चीज़ मैं ये चाहता हूँ, मेरी वुल्फ फैमिली ने बहुत सारे कमेंट्स कल वुल्फ के लेके कि भाई आपने बहुत गलत कर दिया उसको सेल करके। मैं ना बड़ा बुरा, मेरे को भी लग रहा है कि जल्दबाजी में डिसीजन जो लिया मतलब सारा गलत था। उस बंदे को मैंने सेल किया हो ना, कैमरे वगैरह में बहुत कम आता, तो मतलब ऐसे थोड़ा रूट टाइप का, मेरे को ना उसके साथ दोस्ती वगैरह भी करनी पड़ेगी वुल्फ के कारण। बस वुल्फ एक इमोशन मेरे लिए थी और आप सब लोगों के लिए भी हमेशा है, तो उसके लिए ही मैं जा रहा हूँ वहाँ पे। तो देखते हैं अगर वो हमें अलाउ करेगा सारी चीजें, तो बड़ी बड़ी खुशी की बात होगी मेरे लिए। यार मैंने अपने भाई को ना यहाँ पे रखा है सामने, किस लिए रखा है बताओ? फैमिली को वीडियो की क्लैरिटी, HD वीडियो बनानी है। मैं चाहता हूँ ना कि क्लियर बिल्कुल आपके लिए वीडियो आए भाई, मेहनत चल रही फुल पावर। और मैं इसको ये बोलता हूँ कमेंट, तू ना स्कूल वगैरह जाकर, स्कूल नहीं जाता यार, तो मेरे को स्कूल कब नहीं गया, आज नहीं गया क्योंकि मेरे को पता नहीं था। फॉर्म जो था ना गलती से देख लिया था, वहाँ पे 8 बजे मंडे को लिखा था, मैं सैटरडे को आ गया। तो सैटरडे को कितने बजे जाना था? 7 बजे जाना था आज। तो मैं ये सोच रहा हूँ ना कि स्कूल वगैरह, ये तो पढ़ाई वगैरह करे यार, मतलब मैं तो चल यूट्यूब वगैरह कर रहा हूँ, मैं चाहता हूँ ना मेरा छोटा भाई तो पढ़े अच्छे से, है ना? ठीक है, मैं बस इतना तेरे को यही बोलूंगा कि जितने भी मेरे को यार छोटे बच्चे देखते हैं स्कूल के, सारे यार मेहनत करो अच्छे से ताकि ना लाइफ में सक्सेसफुल हो पाओ। कॉज ना ये जिंदगी इतनी आसान नहीं है, अभी तो हम सारी चीजें एडजस्ट कर लेते हैं, कॉज हमारे पेरेंट्स हमारे लिए सब कुछ करते हैं, लेकिन विद पैसेज ऑफ टाइम जब एज हमारी ज्यादा हो जाती है ना, तो हमारे ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज भरती हैं, बाद में हमारी शादी भी हो जाएगी, तो फिर बीवी बच्चे, कल को ये बच्चा बोलेगा भाई कि मेरे को ये चीज चाहिए, अगर हमारे पास इतने पैसे नहीं होंगे वो चीज को परचेज करवा के लेके देने के लिए, तो कितना बुरा खुद से फील होगा कि भाई मैं उस लायक नहीं था कि मैं अपने बच्चों को आगे खुश रख पाऊं। बहुत सारी चीजें होती हैं मतलब दिमाग में चलती रहती है, बट ये नहीं सोचना कि मैं ज्यादा कुछ सोच रहा हूं, बट ये होता है ऐसा। तो गाइस निकलते हैं यहां से फुल पावर अपनी वे, जो देखो यहां पे लगी हुई कैसी लग रही है भाई। एक मिनट, आप सब लोगों ने ये भी बोला कि ये नाम ना बहुत प्यारा रखा है आपने, मैंने सोच समझ के नाम रखा हुआ है। ओके अभी इसको कॉल स्टार्ट करते हैं यहां से, ठीक है? अच्छा लग रहा है, अभी नहीं थोड़ा टेम्परेचर आने दे बराबर करके फिर लगाना। ये निकाली तो और आवाज आई। नहीं ये नहीं निकला, ये KTM थोड़ी है, इसको डीबी किलर निकाला, इसमें पूरा मफलर चेंज करेंगे अब, अभी नहीं 50K याद रखना भाई। फ्यूल कम है, फ्यूल डलवाएंगे अभी, हम जा रहे हैं यहाँ से पेट्रोल पंप के लिए भाई। 1500 रुपए का तेल पिया भाई 2 दिन में। मैं तुम्हें अभी बताता हूँ बाइक पे सारी बातें, हुआ क्या इसके साथ, माइलेज का क्या सीन है, मेरी तो फटके 4 हो गई अंदर से, मैं सच बोल रहा हूँ तुम्हें। सो गाइस अपनी प्यारी सी रे को निकालते हैं यहाँ से, गेट बंद कर देना आराम से अंदर रहना। ओके भाई, तो घर पे कोई नहीं होता, ये अकेला रह गया था घर पे, मेरा मन नहीं करता भाई इसको अकेला छोड़ने का, कॉज भाई भी छोटा बहुत ज्यादा है, लेकिन भाई स्कूलिंग अगर करेगा तो ज्यादा अच्छा रहेगा भाई। सुबह लेट उठता है, नींद से वाले मेरे ना स्कूल में होते हैं, आपको पता है दोनों टीचर हैं, तो ठीक है, तो उनको अपनी जॉब्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। सो गाइस अभी सबसे पहले हम चलते हैं यहाँ से पेट्रोल पंप, ये तो मतलब रूटीन का हो जाएगा ना, रोज पेट्रोल डालना भाई। अभी ना मैं तुम्हें सीन बताता हूँ इसका, ठीक है? तो मैंने ना जब बाइक ली थी 2 दिन पहले, मैंने 1600 रुपए का इसमें तेल डाला था, जो कि इसकी 17 समथिंग लीटर की कैपेसिटी है टैंक की। हेलो भाई, 2 दिन में बाइक ने भाई 16 लीटर पेट्रोल खत्म कर दिया। ये देखो भाई ब्लिंक कर रहा है, देख रहे हो ब्लिंक कर रहा है ना, तो अभी मैं बताऊंगा कितनी चली है, 182.3 किलोमीटर पूरी चली है बाइक। ये क्या हो गया इनको? मैंने बोला मुझे लगा ट्रैफिक वाले मेरे पीछे पड़ गए भाई। भाई किसके पीछे पड़े यार? भाई किसको पकड़ने गए बंदे यार? ये आपके पीछे पड़ा था, मुझे लगा ट्रैफिक वालों, वो जो ट्रक वाले थे ना सामने। सच बोलो मुझे लगा ट्रक वालों के पीछे पड़ रहा था कसम से। इसको पकड़ा भी उसने इधर से। अच्छा तो हम निकले कैसे ट्रक के पीछे? क्या बात है भाई, एक्चुअल में नंबर प्लेट छुपाई हुई है भाई, बाहर निकालना, बाहर कैसे निकलती है ऐसे? हेलमेट पहन लिया करो कि क्या सेक्सी बाइक है यार। थैंक यू भाई यार। ना XP95 डालते हैं पेट्रोल अपनी बाइक में, 500 का करो, 500 ही है, सुबह लिए हुए थे वो भी मम्मा से, ठीक है? बताओ कितना होगा प्राइस? 11 लाख ही है। हाँ भाई यहाँ से निकलते हैं हम फुल पावर अपने ना कॉलेज के लिए। भाई बड़ी खुशी हो रही है कि अपने कॉलेज में अपनी सुपर बाइक लेके जा रहा हूँ। टाइम पे ना ऐसे थ्रोटल देते थे तो वुल्फ पे एड्रेनलिन रश हो जाता था, लेकिन आज ना सुपर बाइक पे बैठ के वैसी ही फील आ रही है, लेकिन बस ये है कि भाई थोड़ा ना पावर नेक्स्ट लेवल वाला है।
तो मैंने मोड्स वगैरह तो चेंज किए नहीं है, मोड मैंने वही रखा हुआ है भाई, रेन वाला मोड लगा के। भाई साहब क्या बात है यार। हेलो, अबे मैं इधर पहुंचा एमएम कॉलेज के पास, उधर कार करने गया। रुक जा रुक जा रुक जा रुक जा, मैं अभी इसका वेट यहाँ पे कर रहा था, बोलता मैं घूमट वाली साइड हूँ, अब खुद ना वहाँ पे एमएम कॉलेज में पहुंच गया होगा। एक्चुअल में इसकी बाइक में एग्जॉस्ट है ना, तो ये तभी मेरे साथ है, बोल रहा हम ना रिएक्शन लेंगे वहाँ पे, लड़कियां वगैरह होंगी ना कॉलेज में। मुझे पता तू मेरे पे हंस रहा है, मेरे को बाइक चलानी नहीं आती, अभी तो डर डर के चला रहा, तभी तेरे मुंह से पता। बाबे कल की तूने इतना लंबा कट लिया ना, मैंने कहा भाई तू जा कर रहा नजोटे वाली साइड। कोई नहीं हंस ले भाई, मैं सीधा ही आगे जा रहा भाई, मैं उधर काम देखता हूं, कहीं खड्डे में गिर गए, किसी ने मेरे को डरा दिया भाई, 40,000 का रिम मिलता है। हां मिलता है, कुछ होता है तो महंगा हो गया। ग्रीन वाली टॉप स्पीड 270, हां Z900 है। ओ रुको रुको, अभी इसमें एक क्लच दबा के नहीं, ऐसे नहीं करो भाई, थोड़ा न्यूट्रल, इसका ऐसी फोटो खींचो बस, हाँ न्यूट्रल करो बस, बस थ्रॉटल नहीं दे, बस फोटो खींचो। पता है सुपर बाइक्स होती हैं, मैं जैसे है ना क्लच में था वो सक्षम बोलते हैं, कुछ खाया है तुम घर पे? चाबी तो है मेरी, तेरे पास ओके। तो देख तूने बाइक का नाम रे रखा था, हाँ रे किस कलर में होता है? येलो कलर का रे होता है, सच में प्यार चला रहा है। ओ माय गॉड, इस पे ना पिकाचू बना हुआ ना, यहाँ पे पिकाचू प्यारा वाला बना हुआ है भाई, बहुत प्यारी। मैं गोल्डन का रेस टाइप भी बना हुआ तो अच्छा यार, तू तेरी वाली भी क्या लगा हुआ है? ये धागा लगाया हुआ है, मंदिर का धागा था जैसे, लेकिन इसकी वैल्यू तो तब भी ज्यादा है भाई, लेकिन मेरे को ना ये भी बहुत प्यारा लगा, अच्छा लग रहा है ना, कमेंट करके बताओ कि थैंक यू दोस्तों, मैं थैंक यू नहीं बोलता, वे में तू दे रहा, तूने बोला था वे में चलना है, ठीक है थैंक यू सो मच भाई, कैसे ठीक हो? पहले का टायर अगला थोड़ा ना खराब हो रखा है, मैं इसको बोलूंगा चेंज करवा देना। फैमिली ये चेक करो हमारे कॉलेज के रिएक्शन भाई, चल ओ भाई, स्टूडेंट ही नहीं है यहाँ पे, ब्लॉगिंग के चक्कर में पता ही नहीं स्टूडेंट कब कॉलेज में आते। तो भाई हम ना डिग्री लेने आए हुए थे यहाँ पे कॉलेज में, तो यहाँ पे अपनी बाइक को पार्क करके रखते हैं, क्या पता हमें कल फिर से आना पड़े कॉल अगर आज हमारा काम नहीं हुआ। ग्रेजुएशन वाले कॉलेज की याद जो ना आज हमने ताजा कर ली फाइनली, ये देखो भाई ये हमारा कॉलेज था, तो साइंस कॉलेज भी बहुत ओल्ड है, लेकिन इसका इंफ्रास्ट्रक्चर थोड़ा इन्होंने चेंज करा था बैक वाली साइड पे, वो ऑनर्स वगैरह इंग्लिश का बना हुआ है, तो अभी अंदर नहीं करना भाई, क्या पता अंदर मैम हो, मेरे को डिग्री ना दे भाई कॉलेज की। ओल्ड कॉलेज है मतलब पुराना, मैंने बोला था कि 90s का कॉलेज, तेरे से पुराना है। साइंस का मेरे कॉलेज का असली नाम क्या था? ब्रिटिश का नाम था कोई, अच्छे से पता नहीं है, बट तेरा वाला ब्रिटिश के टाइम वाला कॉलेज है। हाँ भाई ब्रिटिश ने बनाया था वो, ये वाला तो मौलाना अब्दुल कलाम आजाद ने बनाया ना। यहाँ पे ना चेन लगी हुई देख रहे हो, आई थिंक ना कॉलेज हमारा बंद है। हम जब कॉलेज के अंदर एंट्री किया हमें गाइस पता नहीं क्या रिएक्शन है, लड़कियां होंगी ना, इतना लड़कियां नहीं होंगी भाई, लड़कियां मुझे पता तभी आया था, एग्जॉस्ट ने तभी लगाया हुआ मुझे पता है। मोबाइल बिज के घर वालों इसको थोड़ा सा सुधारो, ये लड़कियों के बारे में सोचता आजकल भाई, रिएक्शन चेक करो भाई। भाई तू ही निकल जाएगा यार, मेरे को नहीं आगे जल्दी पे जाना यार, आराम से चलेंगे ठीक है। हम यहाँ से जा रहे कुछ खाने के लिए, कॉल ना हमने भाई दोपहर को कुछ भी नहीं खाया हुआ है, थोड़ा डर रहा था, लेकिन आहिस्ते आहिस्ते मेरा डर ना भाई कम होते जा रहा है। फाइनली हम पहुंच चुके वे मॉल के बाहर, आपको पता है ना मेरे को यार जंप्स का बड़ा डर रहता है, क्या कर रहा है, रुक क्यों रहा है भाई, पाँव पहुंच ही नहीं रहे थे सर, आपकी वीडियो हम ला ही नहीं रहे, हमने हमारा काम मोटो व्लॉगिंग है ना। तभी हम वे मॉल में आए, ना पूरी और चने साथ में लेके आए हुए गाइस, ये ना ये जो शेक है सुपर शेक से इसके फेवरेट थे, ये वाला ये मैंगो वाला इसने मंगवाया, बोलता बहुत ज्यादा टेस्टी है। इस खाना वगैरह हो गया अच्छे से फुल पावर, अभी हम यहाँ से जा रहे हैं आई कंसेप्ट में, वहाँ पे ना आईफोन 15 भी देखेंगे, अगर हमें वीडियो शूट करने देंगे वहाँ पे तो वीडियो शूट भी करेंगे, देखते भाई कैमरा में क्या क्या चेंजेस है थोड़ी बहुत, क्या भाई मारपीट भाई यहाँ पे वीडियो अलाउड नहीं है, कुछ नहीं क्या कर लेंगे, ज्यादा ज्यादा बोलेंगे कैमरा ऑफ कर दो भाई, हम दिल्ली में मेट्रो में शूट करते थे जहाँ पे वीडियो शूट करना अलाउड होती नहीं। तो 15 प्रो जो है इसमें टाइटेनियम का बैक वाली साइड से, बस यही फर्क लगा मेरे को, रिफ्रेश रेट ज्यादा अच्छा है, कुछ ज्यादा छोटा नहीं है, तो मैं 13 से भी छोटा है थोड़ा सा, रिफ्रेश रेट इसका अच्छा है, 120 हर्ट्ज का भैया ने बताया, नॉच है जिसकी वजह से वो होता नहीं है। ओके हाँ नॉच की वजह से फुल है ना डिस्प्ले पूरी, ये अच्छा है यार, ये मेरे को लग रहा है अच्छा,
इसका बैक वाला टाइटेनियम है। तो गाइस फाइनली हम वेव मॉल से निकल रहे हैं। आईफोन देखे हमने भाई, मेरे को कोई फर्क नहीं लगा, बस ना ये जो कैमरा के ना मतलब बैक वाली जो लेंसेज है ना वो बड़े बड़े कर रहे हैं 15 में भी, और उसमें बोला कि ना टाइटेनियम का बैक वाला पोर्शन है। मैं तो बस तुम्हें इतना ही बोलूंगा, बस ये ना ऐसे मतलब अपना ना इन्होंने बिजनेस रखा हुआ है 15 फिर 14 फिर 13 ऐसे ऐसे चेंज करते रहते मॉडल, मेजर कोई भी फर्क नहीं दिखता मेरे को, आईफोन सारे एक जैसे सिमिलर होते हैं। सो गाइस अभी जिस बंदे को हमने ना वुल्फ दी थी उस बंदे को कॉल करके पूछते हैं भाई कहाँ पे हो, देखते हैं अगर वो हमारा कॉल पिक करता है। कॉज अभी ना बात मेरा मन कर रहा है कि वुल्फ को देखूं एक बार यार। प्रभजोत भाई यार हमने अपनी वुल्फ देखनी थी ना यार, तो ऑडियंस कह रही है कि भाई कहाँ पे, मैं आ रहा हूँ आपके पास, कहाँ हो आप अभी इस टाइम? यार मैं ना थोड़ा कल नहीं भाई, आज ही आना, मैंने ऑडियंस मेरी बोल रही है यार इमोशनल हो गए कि वुल्फ को सेल किया हुआ है तुम्हें, आज हो कहाँ, मैं आ गया आपके घर के बाहर। भाई आज ही देखना ना, अंधेरा पड़ गया यार, मन कर रहा है बाइक को देखने का। सो गाइस यार भाई पहले यार कुछ नखरे मार रहा है, कह रहा ना कि वुल्फ मैं बाहर हूँ, ये वो पता नहीं क्या चक्कर है यार, समझ ही नहीं आ रहा मेरे को यार। अब जा रहे हैं गरीब भाई बंदे के, बंदे को सेल किया बाइक हमने। तो गाइस ये चक्कर हमारी वुल्फ वहाँ पे लगी है सामने, देखो भाई मैं इसके घर ही आ गया हूँ वुल्फ दिखाने के लिए आपको। तो मेरा मन था कि भाई मेरी ऑडियंस ना निराश नहीं हो जानी चाहिए, मैं मेरा मन जब भी करेगा तो मैं वुल्फ दिखाऊं। बिल्कुल सर आपकी ये क्या बात कर रहे हो, तो आप अभी बोल रहे थे भाई मैं नहीं, मैं एक्चुअली सो के अभी उठा था, मैं जा रहा था कहीं, फिर मैंने सोचा आप घर से आओगे। धो के रखी हुई है, साफ करके रखी है, सर्विस वगैरह पूरी करवाई है, क्या बात कर रहे हो, सही है ये न्यू लगवाए? क्या बात है भाई, ये तो शाइन मार रही है भाई, बड़ा अच्छा लगा भाई, इसने बड़ी मेंटेन करके रखी है बाइक, तो मतलब चल कैसी रही है? ओके चल रही है ना, पूरी ठीक करा दी है। ये देखो ये न्यू लगवाए एक्सीलेटर वगैरह सारा चीजें, तो बाइक शाइन मार रही है यार तगड़ी वाली। ये क्यों नहीं मिटाया नाम अभी तक, ये नाम कोई चक्कर नहीं है। हाँ ये भाई दिल से प्यार होता है ना भाई, जब ये मौन करते हैं अपनी वुल्फ को, ये देखो भाई भाई चल ही नहीं रही है, क्या बात है यार भाई, ये ना ऐसे प्यार से चलती है। इसमें ना मतलब आपको सोचना नहीं है कि भाई पावर ज्यादा इंक्रीज करनी पड़ेगी, नॉर्मल आप कहीं अपनी मम्मी पापा को बिठा के भी लेके जा सकते हो, लेकिन जो सुपर बाइक है ना मेरे पास, मतलब मैं उस पर पापा मम्मी को नहीं बिठा सकता, कॉज उस पर ना थ्रॉटल ज्यादा देना पड़ता है, तो बाइक ना स्पीड में चलती है, तो घर वाले भी इतनी स्पीड में बैठेंगे नहीं भाई, उसमें 80 से नीचे वो चलती नहीं, अगर 80 से नीचे चलाओगे ना उसको बाइक पूरा हीटअप हो जाता है। आज भी वैसी भागती है यार, लेकिन मेरे को ना बहुत पतली लग रही है यार, जब से रे को लिया है, देखो रे सामने लगी है ना, तो भाई रे तो बहुत बहुत बड़ी लगती है यार, ब्रॉड सी, तो ये ना छोटी सी ऐसे है भाई। ये देखो अब तुम जो चाहते थे ना दोनों बाइक्स को हम एक फ्रेम में रखेंगे भाई, तुम्हारा ना ड्रीम पूरा हो गया, जो तुम चाहते थे ना वुल्फ और रे को साथ में देखने के लिए। रे की सबसे ज्यादा लाइट है, रे ना वुल्फ को लाइट दे दी है, देखो कितनी ज्यादा लाइट दे दी है। तो भाई ये अब कमेंट करके बताना आज तुम्हें कैसा लगा भाई, जब जब हम आएंगे वुल्फ को दिखाने व्लॉग में तो आप दोगे ना? कैसी बात है? बस 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 यही हम चाहते हैं। तो ये भाई का घर इधर ही पास में है, वुल्फ की वजह से तेरे साथ भी मेरे को प्यार हो गया है, पता है? तो पहले से ही पाऊंगा। कहाँ पे मसल? पकड़ना हाथ इसका, पकड़ना भाई, ये खाएगा यार? नहीं नहीं खाता भाई, पकड़ना मसल, पकड़ ऐसे करके। इसको क्या जिम कराई अभी यार ने? अमेरिका में बैन है ये डॉग्स। क्यों भाई? बड़े पिटबुल है ना ये? ये अमेरिकन बुल्ली है, है पिटबुल ही है, बट अमेरिकन तो बैन क्यों अमेरिका में? पकड़ना बताता हूँ तेरे को, हाथ पकड़ इसकी, ये खाएगा यार। ओहो भाई कुत्ते को मेरे से बड़ा मसल है, चोर हो गया। ये भाई देखो सक्षम को डॉग्स के साथ बहुत प्यार है, कॉज आपको पता है इसके तेरे वाले नाम का क्या? हस्की। मेरा स्नो व्हाइट हस्की है, स्नो व्हाइट हस्की। तो भाई मैं वो भी दिखाऊंगा आपको। ओए ये तो बड़े अच्छे से इसके साथ बैठ गए थे। गाइस अपनी वुल्फ को ना बाय बाय बोलते हैं, तो भाई ने ना मेरे से ज्यादा अच्छे से मेंटेन करी हुई है, तो मेरे को किसी चीज की टेंशन नहीं है, ठीक है? ऐसे मेंटेन करके रखना इसको, बिल्कुल ऐसी। इससे वो जो ओएलएक्स पे चढ़ा दी थी वहां से हटा दे, वो मैंने नहीं चढ़ाई, थोड़ी गलती। बोलता ना मेरे सब्सक्राइबर बोल रहे थे भाई आप यहां क्यों बाइक सेल कर रहे हो, ये वो करके। मैं बोला इसके उसको दिया, मैंने ऐसे चढ़ाई ना, एक्चुअली मैं भी देख रहा था, मैं लोग क्या मैसेज करते हैं, आगे से बंदे मैसेज कर रहे हैं, अरे बाइक का कोई पूछ ही नहीं रहा कि खरीदनी है, फिर क्या बोलते हैं? क्या बोलते कह रहे, बस कह रहे भाई आप वाइल्ड वुल्फ हो, आप प्लीज हमारे से मिलो, हम बहुत बड़े फैन हैं। सही बोल रहे थे, मैसेज कर रहे थे, कसम से दिखाता आपको फोन मेरे अंदर। ठीक है ठीक है, तो भाई बेचना नहीं यार, अपने पास रखो प्यारी से मशीन को। तो ये देखो हमारी रे और वुल्फ, तो ये चेक करो, तीनों बाइक, तीनों बंदे भाई एट ए टाइम एक स्पेस में साथ में। तो चलो आप इसी खुशी से हम इस वाले ब्लॉग को एंड करते हैं, मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए राइट सेफ राइड हार्ड, और कमेंट करके बताना ब्लॉग में सबसे बेस्ट पार्ट कौन सा लगा।